नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। सो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि 3rd of August को हम कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड कर सकते हैं, किस तरीके से हमारी मार्केट की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर क्या करना है, क्योंकि अब अगस्त की एक्सपायरी स्टार्ट हो गई है और अगस्त की एक्सपायरी में हम लोग होप करके चलेंगे कि हम लोग एक हर दिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट अर्न करें और अगर हमारे लॉसेज भी होते हैं ट्रेड के अंदर तो उसे भी रिकवर करने की कोशिश करें। सो गाइस इसी के साथ हम लोग लेकर आए हैं 5 स्टॉक्स जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, प्लस आप लोगों को मैं ये बात बताना चाहूंगा कि मैंने जो आप लोगों को एक्सपायरी वाले फ्राइडे के लिए जो मैंने आप लोगों को स्टॉक्स प्रोवाइड कराए थे, ग्लेनमार्क, अमर राजा बैटरी, हीरो मोटोकॉर्प, सन फार्मा और कैडिला, मैंने आप लोगों को बोला था आप उसमें स्विंग भी ले सकते हैं, तो आप जाके देख सकते हैं कि मैंने अपने कमेंट सेक्शन में देखा था कि बहुत लोगों ने प्रॉफिट अर्न करे हैं, तो उस पर तो मुझे भी खुशी है। तो गाइस एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं आप लोगों को अपने कम्युनिटी पे लेकर जाता हूँ, अपने यूट्यूब पे। आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग एक फ्री वेबिनार कंडक्ट करवा रहे हैं जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि हाउ टू ट्रेड पेनेंट पैटर्न एंड फ्लैग पैटर्न, और ये मैं आप लोगों को बता दूँ तो कल टुमारो 2nd of August को हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं, संडे 3 to 5 PM होगा, ये 2 घंटे का सेशन होगा। इस पर आप लोगों को पूरा बताया जाएगा कि पेनेंट और फ्लैग पैटर्न को कैसे ट्रेड करा जाता है, कैसे आइडेंटिफाई करा जाता है, कैसे बनाया जाता है और उसके बाद टारगेट्स कैसे आइडेंटिफाई करवाए जाते हैं, और आपको कुछ चार्ट्स के एग्जांपल्स भी दिखाए जाएंगे। तो 2 घंटे का ये सेशन होगा, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्री रजिस्टर फॉर्म है, ये आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, इस पर आप अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस एंड अपना फ़ोन नंबर डालेंगे और वहाँ पर आप लोगों को मेल के थ्रू एक लिंक प्रोवाइड होगा, उस लिंक के थ्रू आप क्लिक करके 3 बजे अराउंड आप ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर ये हमारी वीडियो जो आप देख पाते हैं हमारी, जब अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे आपको दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन होता है, तो डिस्क्रिप्शन पे भी आपको ये लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, प्री रजिस्टर लिंक, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे क्या वेबिनार है, कहाँ पर वेबिनार हेल्ड होगा, कितने बजे का सेशन है, क्या है, और आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अराउंड 200 पीपल्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, आज का ही टाइम है, अगर आप लोग कल ज्वाइन करेंगे 2nd of August को तो मैं आप लोगों को नहीं ले पाऊंगा, आप लोगों को आज के आज ही ज्वाइन करना पड़ेगा जो वीडियोस देख रहे हैं, कि मैं फिर आप लोगों को उसका लिंक मेल के थ्रू सेंड कर सकूं। सो हम लोग बढ़ते हैं अपने पर्टिकुलर एनालिसिस पे, तो मैं एनालिसिस पे आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सबसे पहला स्टॉक जो मैं सिलेक्ट करके लेकर आया हूं वो पर्टिकुलर स्टॉक है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, जिस पे मैं शॉर्ट की सलाह आप लोगों को दे रहा हूं। अब यहां पर आप देखिएगा कि एक स्ट्रॉन्ग यहां पर हम देख रहे थे, एक अपमूव आती थी, अपमूव आने के बाद हमने क्या देखा, ये एक रेंज के अंदर चला गया, ठीक है। अब एक रेंज, स्ट्रॉन्ग रेंज कब होती है, जब उसमें कम से कम हम देखें कि ऊपर 2 से 3 बार टेस्ट करें और नीचे 3 बार टेस्ट करें, इस तरीके से ये हम कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग रेंज कहलाई जाती है। तो गाइस अब यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने देखा कि एक अपमूव आई, एक डाउनफॉल आया, एक अपमूव आई, एक डाउनफॉल में ब्रेक कर गया, यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया, सस्टेन नहीं कर पाया। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ से अच्छी खासी फॉल आ चुकी है, अब इस लेवल पे आप देख रहे हो, इस लेवल पे कहीं पर भी सपोर्ट आपको नहीं दिखेगा, कहीं पर भी सपोर्ट नहीं है। अब सपोर्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं किस साइड आ रहा है तो वो मैं मार्क कर देता हूं, आप देख सकते हैं कुछ इस यहां पर आप लोगों को एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तो प्रोबेबली अगर यहां से इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस कितना शुरू होता है तो प्रोबेबली 165 तक ही आ सकता है। सो यू ऑल कैन शॉर्ट फॉर अ टारगेट ऑफ 165, बट आई सजेस्ट यू गो फॉर इंट्राडे विद अ टारगेट ऑफ अराउंड 186 to 182 and short below 190 only. Got that? So short below 190 only and then wait for the target to come. And the targets and stop loss will be provided in my Telegram channel. The Telegram channel name is First Investment. First Investment is my Telegram channel name और आप लोग join हो सकते हैं, नीचे आपको description पे link provided है, आप जाके वहाँ पर join हो सकते हैं। ओके गाइस, सो नेक्स्ट स्टॉक जो आता है वो आता है UBL, यूनाइटेड ब्रूवरीज। सी यू कैन सी हियर दैट द स्टॉक इज कंटिन्यूसली फॉलिंग एंड देन इट्स गो इन अ रेंज एंड इट्स गोइंग इन अ हायर हाइज हायर लोस एज यू कैन सी। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये पर्टिकुलर जो लो था, ये आप देख रहे हैं लो, इस लो को इस पर्टिकुलर हमने देखा था कि चैनल पे ब्रेक करा, चैनल का हमने एक ब्रेकडाउन देखा, चैनल का ब्रेकडाउन देखने के बाद अगर मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हेयर इट इज़ द चैनल ब्रेकडाउन,
उसके बाद हमने एक फॉल देखी, फॉल के बाद एक रीटेस्ट आया ये वाली कैंडल का, उसके बाद हमने एक कंटिन्यूसली फिर फॉल देखी और अपने प्रीवियस फॉल के नीचे एक क्लोज कराए। सो वी कैन शॉर्ट बिलो फॉर 950 फॉर अ टारगेट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेवल, दैट्स द प्रीवियस स्विंग लो एंड द स्टॉप लॉस इज अराउंड हियर। ओके, सो द परफेक्ट एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट एंड टारगेट विल बी प्रोवाइडेड इन द टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन देयर ओनली। एंड द थर्ड स्टॉक इज स्टार, विच वी कॉल स्ट्राइड्स फार्मा। या एज यू कैन सी देयर, यस, दिस पर्टिकुलर लेवल इज द रेजिस्टेंस लेवल एज यू कैन सी। ओके, एंड द स्टॉक इज ट्रेडिंग इन अ रेंज, दिस पर्टिकुलर रेंज। Whenever we see this particular range break with a green candle, with a closing green candle, we see the particular stock goes up to around 490 level. Okay, as you can see here and here, you can see here. Okay, so we can see that from 15th of July to till date, this particular stock is trading in a range, and today only we see it's a breakout above this range. So we can buy this particular share above 440 and trade for a target of around, we suggest 444 to 451. It's for intraday only. If you can hold for position, I can suggest it's a target of 490. But you have to wait for the price action to come and cross this particular level. Okay. So the next stock is JSW Steel. So this particular stock is moving in a channel. This particular channel is a rising uptrend channel, and you can see it's continuously making higher highs and higher lows. As you can see, the previous low is compared to high, and the previous high is compared to new high is particularly above this previous high. So aap dekh sakte hain ki yahan par ab continuously what we see, it's a straight up move, and this particular 3 days it's holding its level. It's holding its 220 level, okay, and it's a strong resistance uprising channel as a resistance uprising trend. So if it breaks that particular level, and मुझे लगता है कि ये कल के कल ब्रेक कर सकता है, क्योंकि probably बहुत टाइम ये होल्ड कर चुका है इस लेवल पे। तो अगर ये कल ब्रेक करता है तो हम लोग अच्छे लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को टारगेट्स एंड स्टॉप लॉसेस प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाके वहां पर ऑब्जर्व करके ट्रेड ले सकते हैं। लास्ट स्टॉक आता है गाइस आईओसी। IOC पे हम लोगों ने पर्टिकुलर स्टॉक आप लोगों को क्यों सजेस्ट करा, इसके पीछे का रीजन क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दिस पर्टिकुलर लाइन दैट वी ड्रॉन इज द रेजिस्टेंस लाइन। यू कैन सी द रिजेक्शन हेयर, यू कैन सी मल्टीपल रिजेक्शन हेयर एट दिस पर्टिकुलर लेवल, इट्स 95। ओके, एंड व्हाट वी सी व्हेन द मार्केट फॉल्स फ्रॉम दिस लेवल, इट्स गोन इन अ रेंज, it's trade in a range for a long time, and after that breakout we see that the particular resistance comes and we see the rejection, multiple time rejection, and it definitely falls, and it continuously falls and enter in a range itself, you can see. Okay, so you can short, see it's a strong red candle and inside candle. Okay, strong red candle and an inside candle, and if this particular level break, we can see a strong red candle again, and we can see the target is 85 around. Okay, so you can trade, it's a perfect trade for short, you can go and trade. Okay, so now we suggest Nifty. Yeah, yes, you can see here what I suggest in the previous video. I suggest that if Nifty cross 11,100, you can short for a target of this particular line that I drawn in the previous video, and the target is the particular low of its previous closing is this only, this particular line only, so you can short. And then I suggest to exit the particular entry or trade. Okay, so now the closing is around 11,070 and it's break its previous support and it's break its multiple strong support, so we can go short. Okay, so we can go short below 11,040. Okay, we are not trading in a range of 11,130 to 11,040. Okay, we are not trading in a range of these 90 points. We will trade if it's break above 11,130 or if it's break below 11,040. If it's break below 11,040, then the target is around this level.
द टारगेट इट सीम्स अराउंड 10,950 टू 10,930, ओके, बट इफ द लेवल ऑफ 11,130 ब्रेक्स देन वी कैन गो फॉर अ टारगेट ऑफ 11,170 टू 11,190, ओके, सो वी हैव टू वेट, बट माय साइड ऑफ परस्पेक्टिव इट्स गो शॉर्ट बिलो 11,040, डोंट बाय दिस पर्टिकुलर लेवल, ओके. So now we can go for Bank Nifty analysis. Yeah. So what I suggest to you all in the previous video on Friday trade, I suggest that this particular red candle breaks below this particular trend line. So if it breaks 21,650 level, I suggest you strongly, if it breaks 21,650 level, go short for a target of this particular range. And you can see the low of this particular Bank Nifty is exact at this range. You can see, and I suggest you strongly in Friday only, on Thursday videos only to trade on Friday, that you have to exit at this level only. You don't have to wait or you don't have to hold your position. Okay, I strongly suggest you all that. So you can see it from there, we give a particular strong buying and it's close at the above. So what we have to do is that we have to wait for the particular price to come down around again 21,580. Then we can go short for this particular level, or you all have to wait for this particular trend line to move up, the particular share you have to move up inside the trend line, then we can trade. Okay, so don't go for harsh buy. Okay, we have to see for the up move to go for particular good short and earn money on shorting side. Okay, so that's it. The video is about to end. All the analysis have been done, and this particular system is for 3rd of August, and you can trade in these particular 5 stocks on 3rd of August, and this particular Nifty and Bank Nifty, all the levels will be provided on Telegram channel. The target and stop loss will be provided on Telegram channel. The link of the Telegram channel is in the description box. The Telegram channel name is First Investment, and you can go, or else you can also fill that form for that webinar we are conducting on 22nd of August tomorrow. You can fill that form today only, and the link will be provided of joining. That link will be provided on your mail itself, or you can join that. So goodbye guys. I will see you tomorrow in the next particular video, and मैं शिवान भसीन आपसे मिलता हूँ कल अगली वीडियो पे. साइन.